एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ फिर से हम लोग हाजिर हैं। थोड़ा घूम फिर कर आया हूँ, थोड़ी अपनी सेंसेस में आ गया हूँ। बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे मेरा वजन ही ना हो, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। देखो हाथ लगा के देखो जरा, आउटिंग बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग खुल गया है, बहुत सारी ऑक्सीजन मिली हो इस वजह से। आप लोग पूछेंगे कि कैसा महसूस कर रहा हूँ, सच कहूँ तो बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक, बहुत ही एक्टिव। तो अब हम फिर से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, जैसा कि किस्म भी है। बहुत शुक्रिया। ये जो लगोना है, इसको आज से पूरी कोशिश करके पैरों पर खड़ा करना है, इसे ऊपर लेकर जाना है, और यही नहीं। वाह भाई, क्या मोटिवेशनल तकरीर की है तुमने, मैं तो सच में तुम्हारा फैन हो गया। खड़े क्यों हो, इसके लिए तालियां बजाओ ना। तोलगा इन सब चीजों से ना थक चुका हूँ, ठीक है। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शक्ल देख देख के, जिस से तुम्हारा ताल्लुक है, सबसे थक चुका हूँ मैं। 100% तुमसे मुत्तफिक हूँ मैं कजन, मैं भी अब थक चुका हूँ इस सबसे। तोलगा चले जाओ यहाँ से। उजान तुम्हारी बात से भी मुत्तफिक हूँ मैं, बात को हमेशा मुख्तसर रखना चाहिए। लगाबिया से तंग आ गया हूँ, नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह वापस देने आया हूँ। क्या चाहते हो, मजाक करने आए हो क्या तुम यहाँ पे? मैं सारे कस्टमर से बेजार हो गया हूँ, हर वक्त असगर पूछते रहते हैं मुझसे। वो लोग उजान के हाथ के मजेदार खानों को मिस करते हैं और एमरे के हाथ के कॉकटेल्स का पूछते हैं। ऐसा है मेरे हाथ, अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। उसे हथियाने के लिए तुमने बहुत से जतन किए, छोड़ तो नहीं सकते उसे बहन। अरे कजन, अब इस सब में तुम्हें कौन सी बात समझ नहीं आ रही, सब कुछ साफ साफ तो कह रहा हूँ, अब मुझे वो जगह नहीं चाहिए। कजन मेरी अम्मी भी तुम्हारी तरफ है और तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरफ है, तो मैं उन दोनों से उलझना नहीं चाहता। जानता हूँ, वही तो। चलो ठीक है ठीक है, ये बताओ कि किस चीज के लिए, किस मकसद के लिए आए हो? कजन तुम मुझ पर अभी भी शक कर रहे हो ना? हाँ मेरे भाई, क्या प्लान होगा मेरा? अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं और क्या करूँ, मान जाओ ना। लगाबिया में तुम्हें दोबारा खुश आमदीद, बस इतना ही। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, मुझे तुमसे तुम्हारी जगह छीननी थी और छीन ली। मैं तुम्हें जितनी अजियत पहुंचाना चाहता था पहुंचा दी मैंने, और बहुत मजा आया मुझे। और अब वापस दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए वो, अब सब खत्म। फिर तो जल्दी पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। मेरे वकील ने कागजात तैयार कर लिए हैं, बस तुम्हारी एक सिग्नेचर चाहिए। तो क्या सही कह रहा है, या बीमार आदमी है? किस किस्म के इंसान हो तुम? कजन मैं यहां हमारे ताल्लुकात बेहतर करने आया हूं और तुम मुझे नाराज कर रहे हो, अफसोस। सारे कागजात बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। देखो मैं भी अपनी जबान का पक्का हूं, तसल्ली कर लो, तुम जब इस पे सिग्नेचर कर दोगे बाकी मेरा वकील तमाम मामला संभाल लेगा। मुबारक हो कजन। ब्रावो। बिल्कुल जासू यकीन नहीं कर पा रही हूँ, वो जगह असगर को वापस मिल गई है। तुम्हें बता नहीं सकती कितना बोझ मेरे कंधों से उतर गया। हाँ तो जाहिर है बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है मेरी जान, सी यू। बहुत चालाक निकली तो, बहुत खूब। क्या मतलब तुम्हारा? यकीनन ये बात तुम यहां नहीं करना चाहोगी। अगर ये मालूमात असगर को मिल भी गई तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि किसी को ब्लैकमेल करना असगर की फितरत में शामिल ही नहीं है। लेकिन
तुमने मुझे हैरान कर दिया, हैरान कर दिया। तुमने मुझसे बदला लेकर उसके रेस्टोरेंट को बचा लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिक्र मत करो, जैसा कि यहाँ लिखा है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। असगर को इसका नहीं बताऊंगा मैं, और ना ही तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश करोगी। तुम्हारे धमकाने से डर गया हूं, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये मैंने नहीं लिखा है, सुना तुमने? ना मैंने ये लिखा है, ना तुम्हें ब्लैकमेल किया मैंने। तुम कबूल नहीं करोगी, मुझे यही उम्मीद थी। ये जंग जीत गई, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। किस किस्म के इंसान हो तुम आखिर सरदार? ये सब तुमने किया है ना? वो नोट भी उसे तुमने लिखा। वो इसी लायक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कि पागल हो गए हो? तुम भी तो उसी का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही थी, और जब देखा कि ये काम तुमसे नहीं होने वाला तो तुम्हारी जगह पर वो काम मैंने कर दिया। हेलो, इसकी किस कदर साइको हो, मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हो। बुरा हूं? इसकी लगाविया जिसका होना चाहिए था उसको वापस मिल चुका है, और तोलगा इसी चीज का हकदार था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम ही बताओ, मैं बुरा हूँ या वो तोलगा? असगर तोलगा के साथ ऐसा कभी नहीं करता, सुन रहे हो ना तुम मुझे? असगर को ये सब कुछ कैसे बताऊंगी मैं? तुम्हें लोगों को मुश्किल में डालना बखूबी आता है। मुझे सब कुछ असगर को बताना होगा। तो अब से लगाविया तुम्हारा, हमारा, हमारा। जानते हो, जब भी तोलगा की बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी आने वाली है, बस पता नहीं, यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन करूं ना करूं पता नहीं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो कर भी क्या सकता है? मुझे लगता है कि अब वो इन चीजों से थक चुका होगा, उसे एहसास हो गया होगा। तुम बात करते हो जैसे बिल्कुल लॉजिकल लगता है। मुझे पता है कि वो शर्मिंदा हो रहा होगा, जिद करके उसने हमसे ले तो लिया, लेकिन उससे हो नहीं सका जो उसने सोचा था, बस यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। खैर छोड़ो ये सब, इस नेगेटिविटी को छोड़ो और पॉजिटिविटी को अंदर आने दो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। अरे कहाँ रह गई थी तुम इस खुशी के मौके पर, तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। यही थी मैं मेरी जान, तुम साथ होती हो ना तो सब ठीक लगता है। हाँ तो दोस्तों, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि लगाविया चला गया, कोई बात नहीं, हम नई जगह बनाएंगे, मुझे से कोई सरकार नहीं। लेकिन असल में अगर मैं सच कहूँ तो लगाविया ही वो जगह है जिसमें मेरा दिल लगता है। सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए बस ऐसे ही मैं बोल देता था। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज लगाविया तो मेरी जान नहीं हुई समझो। जितनी जल्दी हो सके मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, अल्लाह करे कि वो जगह हमारे लिए ठीक हो। अब से सारी एनर्जीज हम लगाविया में इन्वेस्ट करेंगे। ब्रावो। तो हम सब लोग लगाविया वापस जा रहे हैं, और जो जिसका काम था वो ही करेगा। ओके, क्या मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या हम अपने रेस्टोरेंट में पहले वाले ओहदों पर ही काम करेंगे? मैं तो मशहूर ही अपने बारमैन होने की वजह से हूँ, तो मैं तो इसी ओहदे पर काम करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दोस्तों की पोजीशंस बदल चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहूं तो गिज़म साहबा को ले लीजिए। गिज़म करेगी कंटिन्यू एज अ मैनेजर, मगर ये मैनेज नहीं कर सकेंगी। हाँ, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। बहुत सारा काम है जो अभी करना बाकी है हमारा। गुड। असगर, बात हो सकती है क्या? हाँ जरूर, जरूरी बात है, चलो आ जाओ। हाँ, आ जाओ। ये वजह कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल असगर, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि सरदार ने वो डिवाइस दी है। सरदार के कहने के मुताबिक तुम नहीं चली, ये सबसे बड़ी बात है। जो कुछ हुआ है हमारे साथ, हमें बहुत सबक मिले हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ अपना रास्ता निकाल ही लेता है।